हेलो एवरीवन, शिव शक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये चैनलिंग है और जो ये मुझे चैनलिंग हो रही है, ये रीयूनियन की चैनलिंग हो रही है। बहुत से ट्विन टीम्स DMDF कहीं ना कहीं सेपरेशन के बाद अब आप अपने यूनियन की ओर कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, या आपको अपना यूनियन कहीं ना कहीं 5D में या एनर्जेटिकली बहुत करीब फील हो रहा है। आप उसको फील कर पा रहे हैं, उस एनर्जी को फील कर पा रहे हैं जो डिवाइन आपके लिए कोई प्लान बना के रखे थे, या जो आपसे चीज़ें छुपी हुई थी स्पेशली आपके रीयूनियन के लिए। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर इम्बैलेंस हो गए थे, या आप इमोशनली डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे अपने पर्सन से, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे। बट अब ये जो 9-9 पोर्टल गया है, एंडिंग का एक फेज था, ठीक है, चाहे वो कार्मिक हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हो, आपकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो, हेल्थ इश्यू हो, ब्लॉकेजेस हो, इश्यूज कुछ भी हो, वो सब कहीं ना कहीं आपने बिल्कुल रिलीज़ कर दिया है। और उसके बाद की जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा कामनेस वाली, बैलेंस वाली, और आज की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। स्पेशली आपकी डिवाइन मस्कुलाइन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है कलेक्टिव में, और एनर्जेटिकली आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ मैसेजेस भेज रहे हैं ड्रीम के थ्रू, या किसी भी पोस्ट के थ्रू, या कहीं से कुछ भी। अगर आप कोई सॉन्ग भी सुन रहे हैं तो आप तुरंत कनेक्ट कर पा रहे हैं उस सॉन्ग से। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सॉन्ग जो है मेरे पर्सन की तरफ से एनर्जी आ रही है, या ये डिवाइन ही आपके माइंड को ऐसा एकदम सेट कर देंगे कि आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, तो आपको क्लियर वॉइस सुनाई देगी, या कहीं ना कहीं से आप एकदम से थम जाएंगे, ठहर जाएंगे कि ये कोई ना कोई मैसेज है हमारे लिए या आपके लिए, ऐसा फील कर सकते हैं, या आपके पर्सन की तरफ से कोई मैसेज दिया जा रहा है, यूनिवर्स आपको वो मैसेज आप तक डिलीवर कर रहे हैं। बट आपको थोड़ा सा इग्नोरेंस वाली एनर्जी में DF की, ठीक है ऐसा तो आप उसको एक्सेप्ट करो, बट आपको 3D में भी देखना है, होता है ना, एक लॉजिकल माइंड से डील करना, प्रैक्टिकल बनना। ये DF के अंदर बहुत ही टाइम बाद ये चीज़ें आती हैं कि बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाना, प्रैक्टिकल हो जाना। इससे पहले DF बहुत ज़्यादा इमोशनली थी, या कोई छोटा मोटा भी साइन मिला उसको तुरंत एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं मेरा यूनियन होने वाला है, एनर्जी को समझ नहीं पाना कि ये एनर्जी मैनिपुलेट तो नहीं कर रही है, या फेक कुछ साइन होते हैं उसको भी आप रियल मान लेते थे। बट अब उन सब चीज़ों से आप भी काफ़ी उठ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे एक चैनलिंग हुई है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मैंने 3 बार वर्ड्स को सुना है, ठीक है, और बिल्कुल क्लियर सुनाई दिया है। जहाँ मुझे एक मैसेज मिला है कि ये कलेक्टिव में आपके DM की एनर्जी है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको शो नहीं कर रहे हैं, आप सेपरेशन में चल रहे हो, या बहुत टाइम पहले कभी उन्होंने ये सब बातें आपसे एक्सप्रेस की थी, आपको बताई थी, फिर वो रन कर गए किसी वजह से, ठीक है, एक सेपरेशन क्रिएट हो गया। बट अब आपका बहुत ही लव वाला फेस स्टार्ट होने जा रहा है, DM की तरफ से बहुत ही ज़्यादा लव एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं लव सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका मेंटली एक दूसरे से कनेक्ट होना, इमोशनली एक दूसरे से कनेक्ट होना, स्पिरिचुअली एक दूसरे से कनेक्ट होना बहुत ही बड़ा चेंज है, और पॉजिटिवली चेंज है ये आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। तो यहाँ आप देखोगे कि आप कुछ भी करेंगे, कोई काम करेंगे, कोई एनर्जी आप की तरफ आ रही है, कोई एक वाइब्स, ठीक है, एक एनर्जी, कोई वेव है जो आपसे टकरा रही है, वो भी लव की एनर्जी, और आप उसको समझ पा रहे हैं कि ये DM की एनर्जी है। DM कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं, टेलीपैथिकली आपको कोई ना कोई मैसेज दे रहे हैं। आपको इस टाइम में इनफाइट का साइन बहुत ज़्यादा दिख सकता है, DM के नाम की सिंक्रोनोसिटी बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपके हार्ट चक्रा के पास बहुत ज़्यादा सेंसेशन फील हो सकती है, आप लव को फील कर सकते हैं अपने हार्ट चक्रा पर, अपने DM की एनर्जी को बहुत क्लियर फील कर सकते हैं कि हाँ ये लव की वाइब्रेशन है, ये लव आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से, और आप भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करेंगे इस एनर्जी में, बहुत ज़्यादा काम फील करेंगे, बैलेंस फील
करेंगे, चाहे आपका सेपरेशन कितना भी लंबा हो चुका है, आप कितने भी लंबे टाइम से उनसे अलग हैं, आपको ये मैटर नहीं करेगा। आप बिल्कुल भी यहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन की एनर्जी में नहीं आएंगे कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है या यूनियन नहीं हो रहा। आपका बिलीव सिस्टम जो था वो चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ये काफ़ी सुंदर एनर्जी बहुत टाइम बाद पिक हुई है कलेक्टिव में, ठीक है। और ये मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, आपका स्पिरिचुअली भी 3D में भी जो बैलेंस आना चाहिए वो भी मुझे क्लियर दिख रहा है कि 3D में भी DMDF बैलेंस हो चुके हैं। 5D में तो आप हो बैलेंस, आपने यूनियन भी अचीव कर लिया है, आपका डिवाइन से भी यूनियन हो चुका है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में फिर से आप आ गए हो। उसके बाद आप ये एनर्जी में अगर हो, आपको ये एनर्जी फील हो रही है, तो आप इसको क्लेम करें, क्योंकि आप यूनियन को 100% आपका, मैंने पहले भी चैनलिंग में बताया था, ये जो आपका 10-10 पोर्टल है, 11-11 पोर्टल है, 12-12 पोर्टल है, यूनियन के पोर्टल्स हैं, कंप्लीशन के पोर्टल्स हैं, एंडिंग के पोर्टल्स हैं, ठीक है। बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने ब्लॉकेजेस को फेस किया, निगेटिविटी को फेस किया, ठीक है, ट्रिगर को फेस किया, अब उन सबसे आप कहीं ना कहीं आपका लेवल चेंज होता जा रहा है, आपका डायमेंशन चेंज हो रहा है, ठीक है। आप पीछे नहीं जा रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो अपनी जर्नी में। इस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हो रही है कलेक्टिव में। सेकंड एनर्जी की मैं बात करूं तो आपको जो सिम्टम्स फिजिकल बॉडी में दिख सकते हैं, आपको राइट साइड में पेन फील हो सकता है, आपको अपने हार्ट चक्रा के राइट साइड में पेन फील हो सकता है, एक चोक वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है, जैसे कि हार्ट चक्रा के आसपास कुछ चुभ रहा है, या ऐसे नहीं, एक नाइफ होता है, चाकू होता है, हल्का सा चुभा, फिर आप एकदम से बैलेंस हो गए, ठीक है। या हार्ट चक्रा के पास ऐसा फील होना, हैवीनेस फील होना, या राइट साइड की बॉडी में हैवीनेस फील होना, बहुत ज़्यादा रिजिड वाली एनर्जी फील होना, अकड़ फील होना, या बहुत ज़्यादा कड़कपन फील होना, एक तरफ बहुत ज़्यादा हीट फील होना, एक तरफ बहुत ज़्यादा ठंडा फील होना, इस तरीके की एनर्जी अगर बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो तो आपके DM का कहीं ना कहीं डायमेंशन चेंज हो रहा है, ठीक है। अवेकनिंग ट्रिगर तो हुई है उनकी इस 99 पोर्टल में, इस फुल मून पे, उसकी वजह से उनका भी लेवल अप हो रहा है, मतलब वो भी अभी जो पीछे थे एक कार्मिक एनर्जी से डील कर रहे थे, ठीक है, चारों तरफ से एक कार्मिक एनर्जी उनके उनको एक घेरे में रखा था, ठीक है, कि वो आपकी तरफ देख ना पाए, और जिसकी वजह से बहुत DM आपसे रन कर रहे थे, आपकी बातों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे थे, आपकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखना चाहते थे, ऐसा जाल बिछा रखा था कार्मिक ने। तो DM की भी कहीं ना कहीं कार्मिक एनर्जी हद से ज़्यादा रिलीज हो चुकी हैं, ठीक है। अब वो भी अपना ग्रोथ कर रहे हैं, प्रोग्रेस हो रही है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेना, ठीक है, यूनिवर्स की बातों से कनेक्ट होना, या ऐसे कोई पर्सन हो सकते हैं जो उनको सही गाइडेंस दें, और एनर्जी में भी उनके भी बहुत ज़्यादा जो एक हैवीनेस थी, कार्मिक एनर्जी थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा लाइटनेस फील होना, बहुत ज़्यादा लाइट वाली एनर्जी में DM आ रहे हैं, फ्रेश एनर्जी में, एक न्यू स्टार्ट DM की लाइफ में भी हो रही है, न्यू बिगिनिंग आपके रिलेशनशिप में हो रही है, ठीक है। तो जो कार्मिक एनर्जी से घिरे हुए थे, बहुत हैवी एनर्जी थी, बहुत नेगेटिव एनर्जी थी DM की साइड से, वो भी कहीं ना कहीं रिलीज हो चुकी है 80-90% अगर मैं कहना चाहूँगी तो। और बहुत DM भी बैलेंस हैं, हैप्पी हैं, ठीक है, जो कुछ भी है एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आ रहे हैं, और जब आप एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आते हो, जो कुछ भी है, या आप लेट गो करते हो, पास्ट को छोड़ते हो, तभी नई नई चीज़ों को आप अचीव कर पाते हो, नई चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हो, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर पाते हो, सही लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाते हो, अपनी सोल फैमिली को, सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाते हो। बट अगर आप पीछे की बातों को लेकर ही पकड़ के बैठ जाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देती हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। तो जो कार्मिक थे, बार बार उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, मैनिपुलेट करना, एक कार्मिक एनर्जीज़ को क्रिएट करना अपने आसपास, ठीक है, सही चीज़ों को देख नहीं पाना या सही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाना, वो सब चीज़ें अब आपके पार्टनर की लाइफ से भी ख़त्म हो रही हैं। इसके बाद अगर मैं कुछ बताना चाहूँगी, जो थर्ड एनर्जी है DM की, वो इस तरीके से है कि आपके
डीएम जिन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा था, आपकी जरा सी बात सुनना नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर आप अनब्लॉक देखेंगे कि आपके पर्सन ने आपको अनब्लॉक कर दिया है, आपसे बात करने का कोई ना कोई मौका ढूंढ रहे हैं, या आप भी अगर उनसे बात करते हो तो बहुत ज़्यादा कामली पोलाइटली आपसे बात करेंगे, आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, या आप डिस्टर्ब नहीं होगे या ट्रिगर नहीं होगे, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी में कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बैलेंस आ रहा है, एक पॉजिटिविटी आ रही है जो अभी तक नहीं थी, ठीक है। एनर्जी लेवल पे आप बैलेंस हो रहे हैं, और जब आप एनर्जी लेवल पे बैलेंस होने लगते हैं तो आपका 3D में भी बैलेंस होना जायज़ है, बट जब तक आप एनर्जेटिकली बैलेंस नहीं होते हैं, मेंटली बैलेंस नहीं होते हैं, 3D में आपका बार बार सेपरेशन होता रहता है। तो कलेक्टिव में ये डीएम भी हैं जो आपकी बातों से बहुत रन करते थे, आपको इग्नोर करते थे, अवॉइड करते थे, अगर आप यहाँ कनेक्ट करते हैं तो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, या वो भी कोई ना कोई बहाना आपसे ढूंढेंगे, थोड़ी सी बात की फिर शांत हो गए, फिर बात की फिर शांत हो गए, बट ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरीके से इग्नोर करेंगे या आपको ही गिल्ट में ले जाएंगे या आपको ही गलती देंगे, नहीं, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन के बाद जो उन्होंने अपने अंदर चेंज लाने की एक कोशिश की है, या अपने आप को सही रास्ते पे लाने के लिए कोशिश की है, या आपने उनको समझाने की जो कोशिश की थी, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने रिश्ते को भी बैलेंस करते हुए आगे आप देखोगे कि वो खुद से कॉल मैसेज करेंगे या कर रहे हैं आपको, या मिलने के लिए बोल रहे हैं, तो एनर्जी में आप जरूर चीज़ देखेंगे अपने पर्सन की, और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आप लोगों के यूनियन के लिए। तो ये कुछ एनर्जीज मुझे पिक हुई हैं कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलाइन की, ठीक है। आपके ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है इस पोर्टल के बाद, 10-10 का जो पोर्टल है, आपका जो न्यू मून है, इस पे भी बहुत से लोग यूनियन को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैलेंस के स्टेट में हो, आप बहुत ज़्यादा कंप्लीट फील कर रहे हो, अपने डीएम की एनर्जी खुद के अंदर बहुत ज़्यादा फील हो रही है, टेलीपैथिकली आप एक दूसरे से कनेक्ट हो, 5D में आप अपनी एनर्जी को समझ पा रहे हो कि हाँ जी आपका यूनियन हो चुका है, और 3D में भी आप एक यूनियन की एनर्जी में हो, आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हो रहे हो कार्मिक की एनर्जी से या लोगों की एनर्जी से, और बहुत ज़्यादा आप बैलेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हो, फोकस्ड हो, हैप्पी हो, पीस में हो, कुछ ना कुछ क्रिएट करने की कोशिश कर रही है डीएम, कुछ क्रिएटिविटी आपकी इस टाइम में जो हिडन क्रिएटिविटी है वो सरफेस पे होगी, थोड़ा आप क्रिएटिव देखोगे, क्योंकि आपका सैक्रल चक्रा भी यहाँ पे ट्रिगर हुआ था, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यू देखने के बाद अब जो पॉजिटिव साइन मिलेंगे आपको सैक्रल चक्रा से जुड़े हुए, उसमें देखेंगे आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते जा रहे हो, आपकी सेक्शुअल एनर्जी कहीं ना कहीं बैलेंस हो चुकी है, कार्मिक सेक्शुअल एनर्जीज थी वो कहीं ना कहीं रिलीज हो चुकी है, कार्मिक की जो सेक्सुअल एनर्जीज थी आप उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते थे या उसमें ट्रैप हो जाते थे, तो ऐसे केस में डीएम भी आपको मिरर कर रहे थे, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा लस्ट की एनर्जी में थे, तो अब आप देखोगे कि डीएम अब लस्ट की एनर्जी में नहीं है, ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी से भी ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं अपनी लाइफ में डीएम भी, तो ये आपका सैक्रल चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस हो रहा है। मल्टीपल रिलेशनशिप थे या अनहेल्दी रिलेशनशिप जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थे, आप उन सब रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हो, और बहुत सी डीएफ या डीएम जो थे रिलेशनशिप से तो बाहर आ गए थे बट वो एनर्जी कैरी कर रहे थे, जिसकी वजह से आपका सैक्रल चक्र बार बार ट्रिगर हो रहा था, तो वो अब बैलेंस की स्टेट में आ रहा है, ठीक है। आपका सैक्रल चक्रा हो गया, आपका हार्ट चक्रा हो गया, जहाँ पे आपको सेंसेशन फील हो सकती है, थोड़ा सा हैवीनेस फील हो सकती है, वाइब्रेशन फील हो सकती है, ठीक है। आप अब एनर्जेटिकली भी फील करोगे खुद को लेकर, थोड़ा सा जो अभी आप बहुत ज़्यादा लेजीनेस वाली एनर्जी में आ गए थे, आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो गया था, आप सही टाइम पे उठ नहीं पा रहे थे, किसी भी काम पे फोकस्ड नहीं थे, या आपको बहुत ज़्यादा डाउट एनर्जी थी, कन्फ्यूज़न की एनर्जी थी, बहुत ही ज़्यादा आप अपने कामों पर फोकस नहीं थे, ठीक है। आपके जो काम थे आप उन पर फोकस नहीं थे, या आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या इनोवर्क करना है, तो उस हर एक एरिया में आपका बैलेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ एनर्जीज थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।